मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी की झलक थी। इस रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुद को अलग रखने वाले प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने असेंबली की पोजीशन में 3 चेंजेस किए। असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। सेकंड, असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई। असेंबली को 2 सेपरेट फंक्शन असाइन किए गए। पहला, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉ इनेक्ट करना। असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 से 299 हो गई। मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 11 सेशन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का अवलोकन किया। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण पर टोटल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। प्रियम्बल को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के बाद इनेक्ट किया गया था। सर बीएन रॉय को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में इनके द्वारा हैंड रिटन था।